20 जुलाई 1970 से स्थापित सीहोर मंडी लगभग 27 एकड़ से शुरू हुई थी। उस समय ग्रामीण कृषक बैलगाड़ी और अन्य साधनों से अपनी कृषि उपज बेचने लाते थे। अब यह मंडी 58 एकड़ के प्रांगण में तकनीकी रूप से विकसित है। मंडी में नीलाम शेडों का निर्माण 1982 से शुरू हुआ। आज यहां पर लगभग 12 शेड निर्मित है। 1987 से उपविधि लागू होने से मंडी की नियमन व्यवस्था और भी दुरुस्त हुई। शुरू में मात्र 8 से 10 व्यापारी थे और केवल 2000 क्विंटल की आवक हुआ करती थी। आज मंडी में 250 से 300 लाइसेंसी व्यापारी हैं, जो साल भर में 2.5 लाख टन की खरीदी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास ने किसानों की पहुंच मंडी तक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका सीधा सीधा फायदा व्यापारियों और मंडी को हुआ है। सीहोर मंडी 275 गांव और आसपास की 10 तहसीलों से सीधे जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन और खरीदी के बावजूद ई मंडी पोर्टल ने प्रतिदिन की खरीदी को नगद भुगतान में बदल दिया है। सीहोर मंडी की और भी एक विशेषता यह है, यहाँ महिला ASI द्वारा नीलामी कार्य किया जाता है। इस तरह मंडी में MP फॉर्म गेट पूर्णतः लागू है। मंडी के प्रत्येक स्थानों पर सांकेतिक बोर्ड अपनी पहचान बनाए हुए है। यूं तो सीहोर मंडी पूरे देश में शरबती गेहूं के लिए विख्यात है। इसकी खूबियों और एकाधिकार के कारण भारत सरकार द्वारा इसे GI टैग भी दिया गया है। साथ ही साथ धीरे धीरे मंडी अपनी पहचान ग्रेडिंग लहसुन और प्याज के रूप में भी बना रही है। 2014-15 से यहाँ सब्जी मंडी भी स्थापित हुई है। वर्तमान में मंडी में आने वाले कृषक 2000 से ज्यादा है। अभी UNDP और प्रदेश सरकार के द्वारा कोल्ड स्टोरेज भी स्वरूप में आ रहा है। जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक सीहोर मंडी धरातल पर तकनीकी रूप से और भी चहमुखी, विकसित, समृद्ध और संपन्न होगी।